ये मामला जो था बड़ा ही हाई प्रोफाइल हो गया, क्योंकि पूरे देश की नजरें, मीडिया की नजरें, इंटरनेशनल मीडिया की नजरें इस केस पे थी। इतने बड़े मामले में ऐसा कैसे गुजरात सरकार कर सकती है? बहुत लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि चुनाव आने वाला है, चुनाव एकदम सर पर है, तो इससे बीजेपी को फायदा मिलेगा कि बीजेपी हिंदू लोगों को रिलीज की है। राहुल गांधी का बयान इसमें इंपॉर्टेंट, इन्होंने काफी सधे हुए शब्दों में बयान दिया था, एंड दैट स्टेटमेंट वॉज that the tendency to murder justice for electoral gains is dangerous for a democratic system. Hello everyone, a very good evening to you all, to all my viewers and to all my wonderful students and my dear friends. Guys, I am here to discuss a very important case today with you all. And before you all, right, the case of Bilkis Banu. On Monday, Supreme Court gave a very historic order that you will not be finding it anywhere in the history of Supreme Court. That Supreme Court sets aside, I repeat, Supreme Court sets aside the release of 11 life convicts in Bilkis Banu case. Meaning thereby, ki Bilkis Banu ke case mein, जो गुजरात हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, उनका रिलीज कर दिया था, रिमिशन सेंटेंस पे रिलीज किया था, तो उन 11 लाइफ कन्विक्ट्स को वापस से सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के ऑर्डर को खत्म करते हुए, क्वेश करते हुए, वापस से 2 वीक के अंदर उनको जेल में रिपोर्ट करने के लिए बोला है। मतलब कि एक तरह से आप पूरे सिचुएशन को समझने की कोशिश करिए। बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया, कॉल किया और कमेंट बॉक्स में भी लिखा कि सर बिल्किस बानो केस को बताइए। तो मैं बिल्किस बानो को समझाने के पहले मैं आपको इसके बैकग्राउंड में ले जाना चाहूं। बिल्किस बानो एक बड़ा ही, क्योंकि बिकॉज ऑफ द हीनस नेचर ऑफ द क्राइम, इट गॉट अ ह्यूज पॉपुलैरिटी अक्रॉस द कंट्री, एंड आई वुड लाइक टू से दैट अक्रॉस द ग्लोब ऑल्सो, राइट। कि जब गुजरात में दंगे हो रहे थे तो एक गांव है गुजरात में रांधिकपुर, उस गांव में बिल्किस बानो रहती थी। बिल्किस बानो की उम्र उस समय महज मामूली 21 साल की उम्र थी और वो 5 महीने प्रेग्नेंट थी। और उनके घर के, बिल्किस बानो का तो गैंग रेप हुआ ही हुआ, और 7 लोगों का मर्डर कर दिया गया, जिसमें से एक बच्चे का भी मर्डर हुआ जो कि सिर्फ 2 महीने का था। और ये इस तरह से, क्योंकि गुजरात उसमें दंगे की आग में धधक रहा था। आप याद करिए कि अयोध्या से जो कार सेवक आ रहे थे उनको जला दिया गया था, बंद मतलब गेट को लॉक करके ट्रेन का। उसमें बच्चे, बूढ़े, जवान, औरत सारे लोग, मतलब सोचो कि कैसा आलम रहा होगा जब ट्रेन धू धू करके जल रही होगी और उसमें लोग तड़पते हुए मरे होंगे। तो उसके बाद से गोधरा में ये कांड होता है, फिर इसके बाद से इसमें दंगे की आग भड़क गई, जिसको लेकर के पूरे गुजरात में अनरेस्ट का माहौल था। एंड उस समय गुजरात में मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी साहब, और मोदी जी पे भी इसकी आंच आई, लेकिन फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नरेंद्र मोदी का किसी भी तरह का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था। खैर, हमें पॉलिटिकल बातों पे नहीं जाना है, हम इसके फैक्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं कि बिल्किस बानो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि द वेरी नेचर ऑफ द क्राइम इन विच द क्राइम वॉज कमिटेड, द ट्रॉमेटिक मेंटल ट्रॉमा, द फिजिकल ट्रॉमा एज वेल, कि सोचो कि एक लड़की का इतने सारे 11 लोग आकर के गैंगरेप कर देते हैं, और रांधिकपुर के मतलब उनको आइडेंटिफाई भी करती है बिल्किस बानो, और उसमें फिर 7 लोगों को मार दिया जाता है, और एक बच्चा है 2 साल का, उसका भी मर्डर हो जाता है। तो इसके कुछ टाइम लाइन में मैं आपको लेकर के चलूंगा। बिल्किस बानो का जो टाइम लाइन है, जब से ये घटना हुई है और आज तक जो सुप्रीम कोर्ट का मंडे को इस मैटर में जो जजमेंट आता है, ऑर्डर आता है, इसको रिलेट करना चाहूंगा। तो सबसे पहले आप इनके टाइम लाइन पे चलिए। पहला टाइम लाइन है हमारा 3 मार्च 2002, जो कि मैंने आपको अभी बताया कि अब मॉब मतलब भीड़, बहुत बड़ी संख्या में भीड़ आती है, और बिल्किस बानो के घर पर रांधिकपुर विलेज जो गांव है उनका गैंगरेप होता है। महज मामूली बिल्किस बानो उसमें 21 साल की थी, और इसके साथ साथ 7 और लोगों का मर्डर हुआ उस 3 मार्च को। 16 दिसंबर 2003 को सुप्रीम कोर्ट उसमें सीबीआई इंक्वायरी के लिए बोलती है। बोलने का पीरियड, द हिंदू ने इसको पब्लिश नहीं किया, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि इसके पहले का जो पीरियड था, कि जब ये जाती है एफआईआर करवाने के लिए, तो बहुत मुश्किल से एफआईआर होता है,
लेकिन उसके बाद भी FIR में रेप शब्द को का जिक्र ही नहीं किया जाता है, गैंग रेप का जिक्र ही नहीं किया जाता है। मतलब एक नॉर्मल एक खाना पूर्ति कर दी जाती है FIR में, गैंग रेप और रेप शब्दों को ओमिट किया जाता है, उसमें कोई सेक्शन वगैरह नहीं लगाया जाता है, 376 को अट्रैक्ट नहीं किया। ठीक है, फिर इसके बाद क्योंकि ये मामला जो था बड़ा ही हाई प्रोफाइल हो गया, क्योंकि पूरे देश की नजरें, मीडिया की नजरें, इंटरनेशनल मीडिया की नजरें इस केस पे थी, तो इस मैटर में सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आता है कि इसमें CBI इंक्वायरी हो, CBI के स्पेशल जज बैठेंगे और ये फिर चलने लगता है। फिर ये जैन 21-2008 में स्पेशल कोर्ट, मतलब ये जो स्पेशल कोर्ट है सीबीआई का कहां चला गया, मुंबई चला गया। तो मुंबई से स्पेशल कोर्ट, क्योंकि गुजरात से आप देखते हो कि मुंबई बिल्कुल सटा हुआ है, तो क्योंकि वहां पर बहुत तरह के आरोप लग रहे थे कि सत्ता पक्ष के लोग जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं उनका एक तरह से सप्रेस कर रहे हैं चीजों को, तो इसको शिफ्ट किया जाए, इसको लेकर के हम लोग कहां जाते हैं, मुंबई। तो मुंबई में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा मुंबई जाया गया और मुंबई में जैन 21-2008 का ऑर्डर फिर से आता है, स्पेशल कोर्ट कन्विक्स 11 मेन, मतलब जो अभी मैं आपको बता रहा था जो आरोपी थे सारे, कन्विक्स 11 मेन एंड सेंटेंसेस देम टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। और इन्हीं जो 11 लोग को छोड़ा गया अभी 2022 में, आप याद करिए कि बीजेपी जो रूलिंग पार्टी थी गुजरात में फिर से चुनाव लड़ रही थी, वापस जीते, वापस सत्ता में आए, तो उसके पहले अगस्त में गुजरात सरकार रेमिशन पॉलिसी के थ्रू उन सारे 11 कन्विक्ट को बरी कर दे, तब ये मामला फिर से वापस, बिल्किस बानो का मामला जो दब गया था फिर से इट स्टार्ट्स गेटिंग ऑल द अटेंशन, सब लोग का ध्यान फिर वापस से ऐसा चला जाता है, बरबस उस तरफ निगाह चली जाती है कि इतने बड़े मामले में ऐसा कैसे गुजरात सरकार कर सकती है। बहुत लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि चुनाव आने वाला है, चुनाव एकदम सर पर है, तो इससे बीजेपी को फायदा मिलेगा कि बीजेपी हिंदू लोगों को रिलीज की है। अब इसका क्या फायदा मिला नहीं फायदा मिला ये अलग बात है, लेकिन इस चुनाव में बीजेपी 156 सीट, मतलब गुजरात के इतिहास में आज तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, 156 सीट किसी ने भी नहीं जीता, बीजेपी जीती और वापस से भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री बने। अभी इस बात को फिर से समझने की कोशिश करते हैं, वापस कम बैक टू द सिचुएशन कि गुजरात सरकार रिमिशन पॉलिसी के तहत इनको छोड़ देती है, तो फिर से बिल्किस बानो के तरफ से केस किया जाता है। 27 मार्च 2023 को कोर्ट सेंटर को नोटिस भेजता है और गुजरात गवर्नमेंट को नोटिस भेजता है एंड अदर्स ऑन अ प्ली फाइल्ड बाई बिल्किस बानो। बिल्किस बानो इसके पहले, क्योंकि अगस्त में इनको छोड़ा गया था, तो बिल्किस बानो ने कोर्ट का दरवाजा फिर से खटखटाया था, राइट। तो 15 अगस्त 2022 को, टू बी वेरी प्रिसाइज, 15 अगस्त 2022 को एज पार्ट ऑफ द गुजरात गवर्नमेंट्स रेमिशन पॉलिसी 11 कन्विक्ट्स आर रिलीज फ्रॉम द गोधरा सब जेल। 11 लोगों को गोधरा के सब जेल से छोड़ दिया जाता है, गोधरा में ही कांड हुआ था सारा। फिर अगस्त 25 2022 को टॉप कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट, इशूज नोटिस टू द सेंटर एंड गुजरात गवर्नमेंट ऑन अ PIL फाइल्ड अगेंस्ट द प्रीमैच्योर रिलीज, कि आप उनके रिलीज को प्रीमैच्योर कैसे कर सकते हैं, मतलब उनको रिलीज कब और होना था, उनको आप पहले ही रिलीज कैसे कर सकते, राइट। तो अभी फिर रोल को समझिए, इसी को हम कह रहे हैं वापस कि जब मंडे को जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश कर दिया गुजरात गवर्नमेंट के ऑर्डर, और इसमें जो वर्ड मेंशन्ड है द हिंदू में, दे आर सेइंग दैट इन मासे रिमिशन का मतलब क्या हुआ। रिमिशन आप लोग जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 72 के तहत प्रेसिडेंट का राइट है, पार्डन, रेमिशन, रिप्राइव, रेस्पाइट एंड कम्यूटेशन, और आर्टिकल 161 में गवर्नमेंट, गवर्नर का राइट्स, उसके राइट्स है कि फिर से वही पार्डन, टू रेमिट, टू कम्यूट, टू रेस्पाइट, टू रिप्राइव, इनके पांच पांच राइट्स प्रेसिडेंट और गवर्नर के रेस्पेक्टिव राइट्स है आर्टिकल 72 एंड आर्टिकल 161 में। अब देखो इसमें प्रोसेस, एक और भी प्रोसेस जिसमें कि सीआरपीसी का, मतलब सीआरपीसी जो हमारा इम्प्लीमेंटेशन में है अभी, सीआरपीसी का सेक्शन 432 क्लॉज 7 क्लॉज बी, सब क्लॉज बी को भी इन्वोक किया गया कि एप्रोप्रिएट अथॉरिटी कौन है रेमिशन देने के लिए, कौन सी वो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी है, क्या गुजरात सरकार है या फिर महाराष्ट्र सरकार है,
क्योंकि मामला इसमें यह भी है कि महाराष्ट्र सरकार में ट्रायल चला, महाराष्ट्र सरकार ने फैसला दिया, तो फिर गुजरात सरकार रेमिशन कैसे कर सकती है, राइट। तो इन सारे मुद्दों पे मैं आऊंगा। इन मासे रेमिशन का मैं मतलब बता रहा था, इन मासे इज अ लैटिन टर्म, इन मासे रेमिशन का मतलब है कि मास में आप रेमिट, मास में आपने लोगों को प्रीमैच्योर रिलीज किया, उनको छोड़ा, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट के जो दोनों जज डिवीजन डिवीजन बेंच का फैसला है, जस्टिस बीवी नागरत्ना एंड जस्टिस भुयान पूजल हुआ, तो जस्टिस बीवी नागरत्ना को अगर आप जान रहे होंगे तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि सी इज वन जज हु डजंट फियर एनीबॉडी एंड हु एवरी टाइम बीट डिमोनेटाइजेशन और बीट एनीथिंग सी हैज ऑलवेज टेकन अ स्टैंड and she has not been bothered by that who is giving what judgment, that she has felt this, that she this should be the judgment, this should be, this is the fact and this is how the justice should take place, she always stands by that and we all respect her for that. To unhone kaha bhi, justice Vivi Nagaratna ne ki status quo jo hai hamara, status quo and ante kariye, status quo ko aap log jante hain ki jo state of things hai, jo aise exist kar raha hai, us सिचुएशन को बहाल करिए। लेकिन यहाँ पर है स्टेटस को ऑनटे, जस्टिस बीवी नागरत्ना ने ऑर्डर किया स्टेटस को ऑनटे, ANTE, तो इसका मतलब हुआ, मीनिंग को समझने की कोशिश करना कि जो प्रीवियस सिचुएशन था दैट एग्जिस्टेड दैट शुड बी रेस्टोर्ड। यहाँ पर स्टेटस को का मतलब तो आप सब लोग जान रहे, लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं आप जान रहे स्टेटस को का मतलब क्या है, कि जो भी स्टेट ऑफ थिंग्स है जिस तरह से है उसी तरह से। ऑनटे का मतलब है प्रीवियसली, ANTE, ऑनटे का मतलब है प्रीवियसली, कि पहले जिस तरह से चीजें होती थी उसी तरह से उसको आप रिस्टोर करिए, मतलब वापस निगारों को जेल भेजिए, बीवी नागरत्ना ने बोला। और बीवी नागरत्ना ने एक और भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला कि रूल ऑफ लॉ डज नॉट मीन, रूल ऑफ लॉ डज नॉट मीन प्रोटेक्शन टू अ फॉर्चुनेट फ्यू ओनली, कि कुछ लोगों को जो लकी है या पैसा बहुत है, बाहुबल बहुत है, सिर्फ उनको ही रूल ऑफ लॉ का फायदा मिले, उनको ही प्रोटेक्शन मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। और रूल ऑफ लॉ का मतलब ये नहीं है। रूल ऑफ लॉ कौन सा, वही जो प्रोफेसर एबी डाइसी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि इस मामले में फिर फैसला जो जनवरी 8 का फैसला है, मतलब आप अखबार में 9 तारीख को पढ़े होंगे, जनवरी 8 को सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया कि इट क्वेशस द रिमिशन टू 11 कन्विक्ट्स, 11 को वापस भेजिए एक फोर्टनाइट के अंदर, दो वीक के अंदर। और इनफैक्ट ये भी बोला गया कि अगर उनको रेमिशन मिलना है तो तभी मिलेगा, रूल ऑफ लॉ तभी प्रिवेल करेगा जब वो लोग वापस प्रिजन में आएंगे, जब वो लोग वापस जेल आ जाएंगे तभी रेमिशन का प्रोसेस सही तरीके से होगा। सुप्रीम कोर्ट ने राधे श्याम, इसमें एक अक्यूज है और कन्विक्ट आप कह सकते हैं, तो राधे श्याम को अलग से फटकार भी लगाई कि तुमने सुप्रीम कोर्ट को मिस रिप्रेजेंट किया, तुमने एक तरह से मटेरियल फैक्ट्स को दबाने की कोशिश, और जिस कारण से हम लोग जस्टिस से डेविएट कर गए, सुप्रीम कोर्ट वाज डिसीव्ड, ये सारी बातें बोली गई उस दिन कोर्ट के अंदर 8 जनवरी को। और कुछ बातें जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस केस में बीवी नागरत्ना और भुयान साहब ने यह भी कहा कि That Gujarat government acted in tandem. Gujarat government acted in tandem with prisoners to order their early release after usurping the power. Meaning thereby कि सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि साठ गांठ बीजेपी सरकार ने जो कन्विक्ट है उनके साथ साठ गांठ करने के बाद इनको वहां से रेमिशन दिलवाया। और ये एक बहुत बड़ा मतलब स्कैथिंग कमेंट है बीजेपी सरकार के ऊपर, और अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम द इंडिया अलायंस ऑल द मेंबर्स, उनको तो एकदम फुलटॉस मिल गया, दे ऑल अटैक द बीजेपी गवर्नमेंट एट द सेंटर एंड एट द स्टेट लेवल। इवन द कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी बोला कि होम मिनिस्ट्री के मिसडीड को बताता है। और राहुल गांधी ने भी बहुत सारे कॉमेंट्स किए, सारे लोगों ने कॉमेंट किया, बीट एनी पोलिटिकल पार्टी, अपोजिशन पार्टी अक्रॉस द पोलिटिकल स्पेक्ट्रम ऑफ द कंट्री, दे ऑल टारगेटेड द बीजेपी गवर्नमेंट एट द सेंटर एंड एट द स्टेट लेवल इन पर्टिकुलर एज दे हैड गिवन द ऑर्डर बट दे हैड बीन delivered, they had been ordered by the central government to do so, so that's why the central government was also targeted. इसे और भी कुछ important pointers है जो कि मैं आपके साथ discuss करूंगा, जिसमें कि बोला गया ये joint bench, division bench की तरफ से
और स्पेशली जस्टिस नागारत्ना ने इसको प्रोनाउंस किया दैट अ वुमन डिजर्व्स रेस्पेक्ट हाउसोएवर हाई और लो सी मे बी अदरवाइज कंसीडर्ड इन सोसाइटी और टू व्हाटएवर फेथ सी मे फॉलो और एनी क्रीड सी मे बिलोंग टू. मीनिंग देयर बाय कि बीबी नागारत्ना ने कहा कि इस मामले में बिल्किस बानो जो कि एक औरत है उनके साथ इस तरह की गलत घटनाएं हुई और हम लोग किसी भी फेथ को मानते हो चाहे वो कोई भी हो अगर कोई भी लड़की है कोई भी औरत हो तो कहीं से भी वो बिलोंग करती हो उसको जो मिनिमम अमाउंट ऑफ रेस्पेक्ट है वो मिलना ही चाहिए. जो ऑर्डर ऑफ द डे है जो डिग्निटी का वो उसको मिलना ही चाहिए. आगे ये कही कि कैन हीनस क्राइम्स अगेंस्ट वुमन परमिट रेमिशन ऑफ द कन्विक्ट्स बाई अ रिडक्शन इन देयर सेंटेंस एंड बाई ग्रांटिंग देम लिबर्टी. कि क्या उनको लिबर्टी के नाम पर क्या एक औरत के साथ जिसने इस तरह की जघन्य कारनामे किए हो क्या उसको छोड़ा जा सकता है और जो इतने लोगों का मर्डर किया उसको छोड़ा जा सकता है उनको प्रीमैच्योर रिलीज किया जा सकता है. फिर आगे ये कहा कि द कोर्ट ऑर्डर द मेन टू रिपोर्ट बैक टू जेल इन अ फोर्टनाइट दैट आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि दो हफ्ते के अंदर उनको रिपोर्ट करना है. और ये भी बोला गया कि अगर उनको सही में रेमिशन मिलना है तो पहले उनको जेल आना पड़ेगा तभी ये प्रोसेस सही से होगा. और रूल ऑफ लॉ को अगर हमको फॉलो करना है तो रूल ऑफ लॉ को फॉलो कराने के लिए हम किसी को कानून तोड़ करके रूल ऑफ लॉ थोड़ी फॉलो कराएंगे कि उसका पर्सनल लिबर्टी है भैया आर्टिकल 21 है तो रूल ऑफ लॉ फॉलो कराते हैं तो उनको पहले लिबर्टी दे दिया जाना चाहिए. पहले तो जो कन्विक्ट है उसको सजा भुगतना पड़ेगा. आगे कह रहे हैं इसी मैटर में मैं जजमेंट के आपको जो रेशियो है जो पॉइंटर्स है जहां पर डिस्कशन हुआ है मैं उन सब चीजों को सारे पॉइंट को आपके सामने रखना चाह रहा हूं ताकि आप ज्यादा बेहतर तरीके से उसको समझ पाए और इंटरप्रेट कर पाए. आगे कहा गया जस्टिस नागारत्ना की तरफ से कैन रूल ऑफ लॉ सरेंडर टू लिबर्टी एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट्स ब्रीच. मतलब यह है कि रूल ऑफ लॉ को क्या लिबर्टी के लिए सरेंडर कर देना चाहिए और वो भी तब जब लिबर्टी खुद ही ध्यान देना माइंडेड लिबर्टी खुद ही अर्न कैसे किया गया है बाय कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट्स ब्रीच. मतलब रूल ऑफ लॉ को ब्रीच करके ही लिबर्टी आपको मिला था कि आप जेल से बाहर आए और रूल ऑफ तो ये कैसे चलेगा. ब्रीच आपने किया सुप्रीम कोर्ट को ही मिसरिप्रेजेंट कर दिया और सुप्रीम कोर्ट झांसे में आ गई. सुप्रीम कोर्ट इस बात को नहीं समझ पाई. सुप्रीम कोर्ट को आपने ये बताया ही नहीं कि वहां पर हाईकोर्ट आपको दो दो बार बोला है कि अथॉरिटी नहीं है लेकिन उसके सुप्रीम कोर्ट से ये बात आपने छुपा ली. आगे कह रहे गुजरात हाईकोर्ट दो दो बार बोला था कि गुजरात हाईकोर्ट हैड ट्वाइस हेल्ड दैट महाराष्ट्र वाज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्योंकि ट्रायल महाराष्ट्र में हुआ सेंटेंस महाराष्ट्र ने पास किया तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आप कैसे हो गए. बात समझ रहे हो आप. आगे कह रहे हैं कि कैन अ ब्रीच ऑफ रूल ऑफ लॉ बी इग्नोर्ड इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट अ पर्सन लिबर्टी दैट इज नॉट एंटाइटल टू. ये लिबर्टी को तो एंटाइटल थे ही नहीं क्योंकि गलत तरीके से इनको छोड़ दिया गया तो ये लाइन तो बिल्कुल जस्टिफाइड है. शुड द स्केल्स ऑफ जस्टिस टिल्ट अगेंस्ट द रूल ऑफ लॉ. नो नॉट एट ऑल. Only when the rule of law prevails will liberty and all other fundamental rights prevail under our constitution. Rule of law does not mean the protection of a fortunate few that I already told you. Justice B.V. Nagaratna, main kyunki being a lawyer, I always adore her because she has always spoken her mind in all the cases. आप जो भी इनके बेंच पे केसेस लिस्टेड होते हैं आप उसको देखिए कि कितने बेहतर तरीके से ये इंटरप्रेट करती है. आगे ऑर्डरिंग स्टेटस को ऑनटे जस्टिस नागारत्ना रीजन दैट फॉर द कन्विक्ट्स टू अप्लाई फॉर रिमिशन अगेन दे हैड टू बी बैक इन प्रिजन फर्स्ट. मैंने बताया आपको ये कि अगर उनको फिर से रिमिशन के लिए अप्लाई कर पहले तो 15 दिन के अंदर आइए और फिर से अगर रिमिशन के लिए अप्लाई करना है तो आपको पहले जेल के अंदर जाना पड़ेगा. जेल के अंदर आपको चक्की पीसना पड़ेगा तभी यह होगा. आगे कहा जा रहा है कि द कोर्ट सेड दैट गुजरात डिड नॉट हैव द ज्यूरिस्डिक्शन टू ग्रांट रेमिशन टू द कन्विक्ट्स. जस्टिस नागारत्ना सेड गुजरात वाज नॉट द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 432 क्लॉज 7 सब क्लॉज बी ऑफ द सीआरपीसी विच कवर द सब्जेक्ट ऑफ पावर टू सस्पेंड एंड रिमिट सेंटेंस. मैंने आपको पहले ही बताया कि इस मुद्दे पर भी बहुत बहस हुई कि सेक्शन 432 क्लॉज 7 सब क्लॉज बी सीआरपीसी 1973 का ये बताता है कि हमें हमारा राइट है
टू रेमिट करने का, टू सस्पेंड करने का सेंटेंस को, तो इस रेमिशन को ऑर्डर करने के लिए प्रॉपर अप्रोप्रिएट अथॉरिटी कौन है? तो इस केस में महाराष्ट्र है और गुजरात हाई कोर्ट ने भी इनफैक्ट दो दो बार इस बात को बोला है, लेकिन इस बात को दबा लिए। कौन? राधे श्याम और ये 11 कन्विक्स, और सुप्रीम कोर्ट वॉज माइजल्ड, सुप्रीम कोर्ट वॉज मिसरिप्रेजेंटेड, और दैट्स वाई इनको 11 के 11 को गुजरात हाई कोर्ट ने गुजरात सरकार ने रेमिशन दे दिया। और तब ये फिर वापस ये मामला उठा तो बिल्किस बानो ने फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, तो फिर से वापस अभी ये जजमेंट आया 8 जनवरी को। आगे इसका एक दो पॉइंट और भी है जो कि मैं आपको डिटेल में बताना चाहूंगा। द केस वॉज ट्रांसफर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन ऑगस्ट 2004 फ्रॉम गुजरात टू महाराष्ट्र आफ्टर नथिंग दैट मिसेस बानो हैड बीन कोर्स्ड टू लीव द लाइफ ऑफ अ नोमैड एंड एन ऑर्फन। आई टोल्ड यू कि गुजरात में जब ये चल रहा था मामला तो एक बड़ी संख्या थी लोगों की ये मानने की कि गुजरात में ये केस सही तरीके से नहीं चल सकता है, कि गुजरात में बीजेपी सरकार है और बीजेपी क्योंकि उनका एक एजेंडा है कि वो मुस्लिम्स को सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो इनके अगेंस्ट में चले जाएंगे। तो ये पॉलिटिकल बातें, मैं इन सब पे नहीं जाना चाहता, ऐसा एक परसेप्शन बनाया गया। तो इस केस को गुजरात से ट्रांसफर करके महाराष्ट्र कर दिया गया और महाराष्ट्र में सीबीआई के स्पेशल जज ने इस केस को देखा और उसमें बताया गया कि बिल्किस बानो हैड बीन मेड टू लिव द लाइफ ऑफ एन ऑर्फन एंड अ नोमैड। नोमैड मतलब आदि मानव काल वाला जीवन, और एक अनाथ आदमी का के तरह ये लाइफ गुजार रही थी गुजरात के अंदर। फिर सीबीआई के स्पेशल जज ने हैड कन्विक्टेड 11 मेन एंड सेंटेंस देम टू लाइफ इंप्रिजनमेंट इन जैन 2008 के जैन में 11 आदमी को सजा दे दिया गया लाइफ इंप्रिजनमेंट का और इन लोगों को सबको आरोपी माना गया। इसके बाद है कि हेंस द कोर्ट क्लेरिफाइड इट वाज द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वेयर द 11 मेन वर ट्राइड एंड सेंटेंस्ड एंड नॉट गुजरात वेयर द क्राइम हैड अकर्ड और द कन्विक्ट्स वर इंप्रिजन्ड व्हिच वाज द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू ग्रांट रेमिशन अंडर सेक्शन 432(7)(b). दिस टेनेट ऑफ लॉ एक्सटेंडेड इवन टू ट्रांसफर केसेस। एज आई टोल्ड यू कि केस ट्रांसफर भी हो गया जिस जहां पर ट्रायल हुआ है, माइंडेड ट्रायल हुआ महाराष्ट्र में, सेंटेंस आया महाराष्ट्र से, तो जब सेंटेंस आया महाराष्ट्र से, ट्रायल हुआ महाराष्ट्र से, तो गुजरात रेमिशन पॉलिसी का ऑर्डर कैसे कर सकते? गुजरात वाई रेमिशन हाउ दे कैन रिलीज ऑल दीज 11 कन्विक्ट्स? तो इसी बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट उस दिन दोनों जजेस गुस्सा गए और गुस्से में इन्होंने काफी फटकार भी लगाई सरकार को, गुजरात सरकार को। आगे कह रहे हैं कि जस्टिस नागरत्ना हेल्ड दैट अ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर इन मे 2022 जिसको की बेस बना करके गुजरात सरकार ने रेमिशन ऑर्डर पास किया और 11 को छोड़ दिया। जस्टिस नागरत्ना हेल्ड दैट अ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर इन मे 2022 अलाउइंग गुजरात टू कंसिडर द रेमिशन एप्लीकेंट्स ऑफ 11 मेन अंडर द स्टेट्स रेमिशन पॉलिसी ऑफ 1992 वॉज प्रोक्योर्ड बाई फ्रॉड सप्रेशन एंड मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट्स। एज आई टोल्ड यू कि साफ साफ नागरत्ना जी ने बोला कि जो मई 2022 के मई में हमने ऑर्डर दिया वो ऑर्डर हम इसलिए दिए क्योंकि वी वर माइजल्ड, वी वर डिफ्रॉडेड, वी वर मिसरिप्रेजेंटेड, वी वर सप्रेस्ड द मटेरियल फैक्ट, हमें जानकारी ही नहीं दी गई और तब हमने मई के 2022 में फैसला सुनाया था। आगे कह रहे हैं कि फॉर वन द जज सेड द 92 पॉलिसी हैड ऑलरेडी बीन कैंसल्ड। देखिए कितनी बड़ी बात है कि जिस रूल के तहत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया कि गुजरात ये अपना देख ले, इनको जो करना है कर ले 92 के रूल के हिसाब से, रेमिशन रूल के हिसाब से, जबकि 92 का रेमिशन रूल ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है। आगे कह रहे हैं कि मोर ओवर गुजरात रेमिशन पॉलिसी वॉज नॉट एप्लीकेबल टू महाराष्ट्र। गुजरात में रेमिशन पॉलिसी कुछ और थी, महाराष्ट्र का रेमिशन पॉलिसी कुछ और था और ट्रायल और सेंटेंस महाराष्ट्र में हुआ था तो हम अप्लाई कर दिया गुजरात वाला। गुजरात के पास अप्रोप्रिएट अथॉरिटी थी ही नहीं और गुजरात और महाराष्ट्र का कानून एक नहीं है कि दोनों जगह को आप मतलब मैनेज कर सकते हैं, दोनों जगह को आप इंटरचेंज कर सकते हैं। आगे कह रहे हैं बिसाइड्स वन ऑफ द 11 मेन राधे श्याम भगवान दास शाह, एज आई टोल्ड यू And I given you the name कि इसी ने बदमाशी की थी। राधेश्याम भगवान दास शाह who had approached the top court leading to the May 2022 order did not disclose the fact that Gujarat High Court had twice held that
महाराष्ट्र वॉज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो राधे श्याम शाह जो कि तीसरे नंबर का ये कन्विक्ट था ऑफ द 11 मैन, ये ही हैड अप्रोच द टॉप कोर्ट और इसने लेकिन टॉप कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट को इसने ये बताया ही नहीं था कि गुजरात हाई कोर्ट ने दो दो बार ये रिजेक्ट कर दिया है, दो दो बार ये हेल्ड किया है कि महाराष्ट्र कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, गुजरात कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है। राहुल गांधी का बयान इसमें इंपॉर्टेंट, इन्होंने काफी सधे हुए शब्दों में बयान दिया था एंड दैट स्टेटमेंट वॉज दैट द टेंडेंसी टू मर्डर जस्टिस फॉर इलेक्टोरल गेन्स इज डेंजरस फॉर अ डेमोक्रेटिक सिस्टम। ऑफकोर्स यस, सुप्रीम कोर्ट डिसीजन अगेन शोड द कंट्री हु गिव्स पैट्रोनेज टू क्रिमिनल्स, मीनिंग देयर बाई राहुल गांधी का कहना था कि कोई भी इंसान हो, किसी के साथ भी गलत हुआ हो, आप सिर्फ इलेक्शन के बेनिफिट को देखते हुए आप जजमेंट के को डेविएट नहीं कर सकते, डाइवर्ट नहीं कर सकते। और ये सही भी है। देखो लास्टली हर किसी को क्या लगता है कि मेरे साथ कुछ भी होगा, चाहे सामने वाला कोई कितना भी बड़ा आदमी हो, हम लोग क्या बोलते हैं, आई विल सी यू इन द कोर्ट, हर कोई यही बोलता है। आप कितने भी बड़े आदमी से आपका कोई भी विवाद हो, इंसान को लगता है कि कोर्ट हमारी रेस्क्यू करेगी और रेस्क्यू करती भी है। लेकिन कोर्ट भी क्या है, कोर्ट भी गूंगा बहरा है, कोर्ट में वो चीज सबूत के साथ आना चाहिए। तो सबूत के साथ आने के लिए जिम्मेवार कौन है, सरकार है। सरकार को सपोर्ट करना चाहिए कोर्ट, क्योंकि जब तक आप एविडेंस नहीं दीजिएगा, सबूत पे सारा गेम होता है। कोर्ट जानते हुए देखते हुए ये नहीं कर सकती रेशियो में कि हम जानते हैं कि ये ऐसे है, ये तो कह नहीं सकते। एवरीथिंग विल बी डिसाइडेड इन द लाइट ऑफ द डे। सो द गवर्नमेंट ऑल्सो शुड बी सपोर्टिंग द सुप्रीम कोर्ट, द हाई कोर्ट, द लोअर ट्रायल कोर्ट, सो दैट वी गेट द प्रॉपर जस्टिस। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इज नॉट डाइल्यूटेड, राइट। आई होप दैट आई हैव ट्राइड टू कवर अप एवरीथिंग फ्रॉम बिगिनिंग टू द टिल द वेरी एंड। और इसके बाद भी अगर आपको कहीं भी कुछ भी डाउट लगेगा तो प्लीज बताइएगा, हमारे कॉमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिएगा, हम उस चीज को और भी बेहतर तरीके से आपको बताने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको किसी भी तरह की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में कोई भी कमी ना हो। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, जय हिंद।